अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप फसल खुदा के फसल कलम से हम लोग भी अच्छे। तो गाइस देखो, मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम लोग का नाश्ता हो गया, बैठी हूँ। आज कितना अच्छा दिन है, आज जुमा का दिन है। देखो जुमा के दिन बहुत से काम रहते हैं, सब नमाज दुआ का ज़्यादा रहता है, आदमी लोग का नहाना धोना नमाज। तो नमाज वो पढ़ के आज आगे की मॉर्निंग हम लोग दिखाते हैं, आज हम लोग क्या क्या करने वाले आप लोग को सब दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ना, अभी मैं बाजार गई थी, जुमा की नमाज़ पढ़ी, खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। अभी शाम में उठ के बाजार जाके आई तो क्या लाई मैं, देखो मेथी की भाजी लगी, अच्छी बड़ी बड़ी मेथी की भाजी है, हरी हरी, तो मेरे को अच्छी लगी था मेथी की भाजी। मिर्ची लाई तो मेरे घर लोग बोले कि हम लोग खीर पूरी खाएंगे, जुम्मा है ना तो कुछ भी मीठा बनना चाहिए ना घर में। तो आज मैं बोली चलो खीर पूरी बनाएंगे, तो खीर बना चुकी, देखो पूरी बन रही है। तो खीर पूरी बना रहे, अब तलने के लिए आप लोग को हम लोग दिखाते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाइयों, अभी मैं एक कव्वाली याद कर रहा हूँ दरगाह के ऊपर, अपने पहाड़ी वाले दरगाह के बाबा के ऊपर। तो अगर पूरी जब मेरी जब पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को मैं वो सुनाऊँगा, और जिस दिन मैं पहाड़ी दरगाह जाऊँगा उसी दिन ये कव्वाली मैं आप लोगों को सुनाऊँगा। तो मैं भी लिख रहा हूँ, इसे टाइम लगेगा लिखने और सीखने, तो जिस दिन मैं सीख जाऊँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा। देखो से मैं आई है, कब से मना रही हूँ, तो बोलती है ऐसा तो गुस्सा करके कर, सॉरी बता दो क्या हुआ माँ, कौन क्या बोला तुमको बता दो, और कुछ बोला गुस्सा आ गया क्या, मन कौन डांटी दिया लगता है। देखो देखो मुंडी पलटा के गुस्से से सो रही है, मेरी दादी बात नहीं करूँगी। जान दो पापा तुमको कुछ चलने का, दुकान पे चलने का है, चीजी लेने चलने का आप लोग को। नहीं आज बहुत गुस्से में मैं, देखो देखो आज बात करूँगी नहीं मेरी दादी से, देखो ठीक है बाबा। तो गाइस देखो हमारी पूरी बेल चुके हैं, तो देखो अभी मेरी बहू तलने तल रही है पूरी, देखो तलने को जा रही है, देखो अभी कितनी माशाल्लाह कितनी अच्छी से गोल मस्त तले जा रही है। देखो देखिए अभी खीर पूरी हम लोग बनाने वाले हैं, तो देखो कितनी अच्छी से फूक रही है हमारी पूरी माशाल्लाह। देखो अभी आज जुम्मा था तो हम लोग को सब बैठे थे, तो बोले चलो कुछ तो नया खाएंगे नया करेंगे। तो हम लोग क्या है, एक दिन और दो दिन हम लोग रहते ही, अक्सर ज़्यादा जुम्मा के दिन तो और अच्छा रहता है, सब घर में रहते। अभी बड़ा वाला लड़का भी नहीं मेरा, दिल्ली गया है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा मेरे को। वो आएगा एक दो दिन में, अपने काम के सिलसिले में गया है वो, एक दो दिन में आएगा वो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज बोले चलो सब घर में बैठ के बोल रहे थे, बोले चल खीर पूरी बना, खीर पूरी बना, अभी हम लोग खा रहे। देखो मेरी पूरी कितनी फूक रही है, देखिए गाइस देखो कितनी माशाल्लाह मेरी भाव पूरी कितनी अच्छी से तल रही है, एक बेले एक जन तल रहे हैं। अभी भाजी बनाएंगे मेथी की, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्यूशन से आ गई। अरे वाह, देखिए हमारी ना ट्यूशन से आ गई, तो स्कूल भी गई थी, स्कूल से जाके आई, फिर अभी ट्यूशन गई है, अभी ट्यूशन से आई है, अभी हमारी बेटी खाना वाना खाएगी, हम लोग इंजॉय करेंगे, है ना? कैसा इंजॉय करेंगे बता, सीजे कैसा करेंगे ऐसा करके बता। अभी अभी काम पर से आया, अभी इधर भी ट्यूशन से आया, अभी खाना वगैरह भाई गए नहीं। हाँ वाले बड़ा बेटा, मैं देखो बोली थी ना आपको मेथी की भाजी बना रही, तो देखो मेथी की भाजी बना रही। ये देखो मेथी की भाजी काट के धो के इधर हमने में रखी है, इसमें ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन है, ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये देखो कांदा लाल हो चुका है, देखो गाइस ये देखो कांदा अच्छे से लाल हो चुका है। अभी मैं डालूँगी अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट, तो अभी और जैसे इसको अच्छे से भून लूँगी माशाल्लाह। आई इधर देखो खीर बन रही है, ये देखिए मैं चले माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छे से कितनी मस्त अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए आज खीर पूरी बनाने को बोली थी ना मैंने आपको, देखो मेरे घर में खीर पूरी बन रही है, तो अदरक लहसुन अच्छे से लाल हो चुका है, तो मैं डालूँगी एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। हम लोग क्या पीस के रख देते हैं हरी मिर्ची, कभी भी हम लोग को लगता है ना मेरे ज़्यादा तीखा नहीं खाते ना, तो ये और थोड़ा सा हम लोग डालते हैं, गुंडी भाजी डाल के डाले, देखिए इसको अच्छे से भूनूंगी और थोड़ा सा मेरी मेथी की भाजी हम लोग ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा हल्दी डाली मैंने, ज़्यादा नहीं डालती, ज़्यादा पीला पीला मुझे पसंद है,
देखिए मसाले के लिए चम्मच तो है मसाला, अदरक लहसुन हरी मिर्ची कांदा और हल्दी ये सब मिला के देखो अच्छे से भून गई। अब ये दो टमाटर काटी थी ये इसमें डाल देंगे, देखिए अच्छे से तो गाइस ये देखिए अच्छे से भुने जा रहा है। ये देखिए तो देखिए गाइस इन अभी इसमें नमक डालूंगी, नमक ठीक है थोड़ा सा इसको अभी टमाटर गले तक पकने देंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ भाजी डालने में ठीक है। तो गाइस देखो मस्त में इतना अच्छा मेरा कांदा और टमाटर अच्छे से हरी मिर्ची सब मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसके अंदर मेथी की भाजी डाल रही हूँ, मेरी भाजी अच्छे से डाल के हम लोग ने प्याज मसूर की दाल डाल के बना रही हूँ मैं, तो मसूर की दाल तुरंत नहीं डालने का, भाजी डाल के ना अच्छे से पक जाएगा पानी छूटता है उसके ऊपर बाद में दाल डालने का, मतलब क्या है ना दाल पूरी घोटे जाती है तो दाल एकदम बाद में डालने का भाजी में। अभी ये दाल दी ना मैंने, ये देखिए थोड़ी देर के बाद में इसको मैं वो करती हूँ इसको पलटाती हूँ, अभी कुछ बैठे तक मैं बंद कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और गाइस देखो मैं आपको बताई थी ना भाजी डाल के, देखो मेरी भाजी ऐसी बन चुकी है, थोड़ा सा पानी छूट गया है इसमें, देखो इतनी बना लेने का आधी कच्ची पक्की, तब मैं इसमें दाल डालूँगी। आज दाल डाल के बना रहे कीमा नहीं डाले हम लोग, इधर से दाल डालेंगे, देखो दाल डालेंगे अभी इसको बारीक करके दम पे लगा दो, पानी भी सूख जाएगा दाल भी कच्ची पक, दाल भी गल जाएगी, ज़्यादा खिचड़ा नहीं होती ऐसे ही आधी भाजी कच्ची पकने के बाद में डालने का दाल कभी भी कच्ची तो दाल ना गलती नहीं ज़्यादा। अपन क्या भाजी और दाल साथ में डाल देंगे दाल गल जाती, भाजी अलग ही दिखती है खाने में टेस्ट नहीं आता है। देखो मैंने दाल दी ये देखिए अच्छे से, अब इसको मैं बारीक करके मसाले को बताती हूँ आप लोगों को। गाइस देखो मेरी पूरी तल चुकी है, देखो खीर बना दिए थे हम लोगों ने, तो मेरी भाव ने मैं मार्केट गई थी आया तो उन्होंने पूरी तल दी है, खीर बन गई है तो देखो खा के देखिए इम्तियाज कैसी बनी है, माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। खीर और पूरी बनाई है तो अभी हम लोग टेस्ट करके बताएंगे और कैसी लगी। अच्छा बना अभी अच्छा जब खाएंगे ना तो बताऊंगी, देखो बना दिए बच्चे लोग दोनों भावो बैठ के, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टेस्ट है इसका, खीर में बहुत ही सुगंध आ रही है माशाल्लाह, बहुत मीठी लग रही है और पूरी भी एकदम देखो कच्ची जब छोड़ो एकदम कड़क मस्त है। तो गाइस जैसा इन्होंने आप बनाए ना खीर पूरी वही वही हिसाब से आप लोग भी बनाओ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, एकदम होटल जैसा खीर है मस्त एकदम एक नंबर। तुम भी बोलो आयु, तुम भी बोलो नानी को बोल अच्छी नानी प्यारी नानी रुका रुसी चोर प्यारी नानी रुसा रुसी चोर दो जल्दी से एक पैसा दे दो रुसा रुसी चोर दो। तो गाइस ये जो मैंने पोयम गाई आपको कैसा लगी कमेंट में जरूर तो गाइस अभी ये लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो हमारा बेटा इम्तियाज बैठा है, हमारे सब जो है बहू लोग भी बैठे हैं, हमारे देखो आपको बोली थी ना मैं मेथी की भाजी बनाने का, मेरी मेथी की भाजी अच्छे से देखो बन चुकी है, ये देखिए अभी ना दाल ज़्यादा गली ना कुछ, देखो खुली खुली दाल है आराम से गल भी गई और खिली खिली एकदम खुली खुली दाल है। तो खाना खाने के बाद हम लोग मिलते हैं, तो इरम खाना खा रहे खाओ बिस्मिल्लाह करो। तो हाय गाइस आज हमारी दिन भर की रेसिपी कैसी बनी आप लोग कमेंट में बताना, हम लोग ने खीर बनाए पूरी बनाई और मेथी की भाजी आप लोगों को बना के दिखाई, वो आप जरूर देखना और जरूर बना के दिखाना मैंने आप लोग कैसा कैसा बनाई, वो आप लोग जरूर बताना कमेंट में, मेरे को जरूर बताना कि कैसी बनी कैसे ना आप लोग बना के खाना। तो गाइस देखो हम लोग खाना हो गया है, अभी हम लोग सब लोग बैठे हैं, तो
हमारी रेसिपी दिन भर की आप लोग जरूर बताना कमेंट में, लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। देखो हमारी पोती भी आप लोग को बाय बाय करे, बाय करो, बाय करो। मैं गुस्सा आ रहा, गुस्से से बैठी बोलती बाहर चलो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक पोती मेरी लिख रही है बैठ के, खुदा हाफिज बोलो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।